सीडब्ल्यूजी में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। मीराबाई चानू ने देश को दिलाया है सोना। 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ में वेटलिफ्टिंग में भारत को मिला है सिल्वर मेडल। संकेत सरगर को 55 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेटलिफ्टिंग में गुरुराजा पुजारी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 61 किलो भार वर्ग में गुरुराजा ने पुजारी ने जीता है ब्रॉन्ज। बीजेपी ने घोषित की है 2 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह सेंटवार को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी में खाली हुई है 2 विधान परिषद की सीट। चित्रकूट के रामघाट पर योगी सरकार के मंत्रियों ने की है मंदाकिनी की आरती। बारिश के बीच में उत्साहित दिखे मंत्री। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था। पीएम मोदी ने वाराणसी के लाभार्थियों से किया है संवाद। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के तहत संवाद। राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की है समीक्षा बैठक। वित्तीय वर्ष 2022 से इसके लिए दिया है 1,50,000 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य। लखनऊ में सीएम योगी ने ऊर्जा दिवस पर कई बिजली वितरण केंद्र का किया है उद्घाटन। कहा कि यूपी में ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाई बिजली। यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी। एक कॉल पर आएगी एम्बुलेंस तुरंत शुरू होगा इलाज। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम किया जाएगा लागू। योगी सरकार की एक और तीर्थ सर्किट की कार्य योजना तैयार। परशुराम तीर्थ सर्किट 500 किलोमीटर से ज्यादा होगा लंबा। 6 जिलों में होकर गुजरेगा तीर्थ सर्किट। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने प्रयागराज जिला कोर्ट में किया है सरेंडर। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मामले में फरार चल रहा था अली। पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। गठबंधन टूटने के बाद शेर और गीदड़ तक पहुंची है अखिलेश और राजभर की लड़ाई। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के शेर वाले पोस्टर लगाए और प्रकाश राजभर को दिखाया गीदड़। वाराणसी में ओपी राजभर पर फूटा है सपा कार्यकर्ताओं को गुस्सा। वाराणसी में पोस्टर के जरिए बाप बेटे पर किया है हमला। अखिलेश यादव को शेर ओपी राजभर को बताया गीदड़। बेटे अरविंद राजभर को पोस्टर में दिखाया है चूहा। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। चित्रकूट प्रशिक्षण शिविर को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार। अखिलेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हार के बाद से अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ा। लखनऊ में सपा की बैठक में बहुत बड़ा फैसला। यूपी में 9 अगस्त से समाजवादी पद यात्रा देश बचाओ देश बनाओ पद पैदल यात्रा निकालेगी सपा। रामनगरी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या में बनेगा ओडीओपी म्यूजियम। रामकथा संग्रहालय में स्थापित होगा ओडीओपी। सीएम योगी का कल अयोध्या का दौरा। दिवंगत रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि। रविवार की सुबह 10 बजे दिवंगत अखाड़ा पहुंचेंगे सीएम। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन कई दिग्गजों ने दी है की है शिरकत। 24 की रणनीति समेत यूपी में सियासी हालतों पर चर्चा। योगी मॉडल लागू करने पर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी में योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल के लिए किए बेहतरीन काम। आजमगढ़ जहरीली शराब कांड को लेकर बड़ा खुलासा। मामले पर एसपी का बड़ा बयान। सपा नेता रमाकांत यादव पर होगी एनएससी और गैंगस्टर की कार्रवाई। बहराइच पहुंचे मंत्री संजय निषाद। अखिलेश यादव पर कसा है तंज। बाबुआ को बताया है मुंगेरी लाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाया है जनता दरबार। लोगों से की है मुलाकात सुनी है समस्याएं। वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा। बनाया गया था प्रयागराज का कमिश्नर। बुलंदशहर में गर्जा बाबा का बुलडोजर। खोजा क्षेत्र में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर चला है बुलडोजर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी दस्तावेज का मामला। बरेली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी की वारंट। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में तबादले की गड़बड़ी को लेकर जांच कमेटी गठित। डॉक्टर अनुराग भार्गव के खिलाफ जांच कमेटी गठित। हरियाली तीज को लेकर वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 18 करोड़ के स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजेंगे ठाकुर बांके बिहारी। फिरोजाबाद में हरियाली तीज पर चूड़ी व्यापारियों की बल्ले बल्ले। बाजार में बढ़ी है चूड़ी की डिमांड। कानपुर देहात का महिला जिला अस्पताल में अभद्रता की सारी हदें पार। डिलीवरी के लिए आई महिला नर्स को डॉक्टर ने दी है गालियां। ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े बदमाशों ने की है तोड़फोड़। बंदूक लिए बदमाशों ने 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़।
संभल के बाद बरेली में जिहादी गैंग की माहौल बिगाड़ने की साजिश, कांवड़ियों पर फेंका गया है गंदा पानी। चित्रकूट में झंडा बैंक का डीएम ने किया है उद्घाटन, जिले में 2,46,000 लगाए जाएंगे तिरंगे झंडे। डॉक्टर संजय मिश्रा बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति, फिलहाल जोधपुर एम्स के डायरेक्टर हैं संजीव मिश्रा। मिर्जापुर में जिला कारागार में नेत्र परीक्षण का निःशुल्क शिविर, 50 कैदियों ने कराई आंखों की जांच। बस्ती में बच्चों का राशन बेचने के मामले में कार्रवाई, डीएम के निर्देश पर आरोपी शिक्षक सस्पेंड। पीलीभीत में उधारी से बचने के लिए अपने रची अपने ही अपहरण की झूठी साजिश, युवक के परिजनों ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। जालौन में गल्ला मंडी मजदूरी करने जा रही महिला हुई हादसे का शिकार, पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत। बदायूं में रिटायरमेंट से एक दिन पहले एसआई की मौत, ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर को आया हार्ट अटैक। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में कांवड़ी की मौत, मृतक छोटी काशी से गोला गोकरण नाथ में जज रहने के लिए निकला था। महोबा में ई रिक्शा और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हुई, हादसे में आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई। अमरोहा में शादीशुदा युवक ने पत्नी के उत्पीड़न से परेशान होकर बनाया वीडियो, युवक ने वीडियो शेयर करने के बाद ही आत्महत्या। बागपत में छुट्टियों पर गया सिपाही काट रहा है आजीवन कारावास की सजा, एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। उन्नाव में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात, पुलिस ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। शाहजहांपुर में सरकार के विरोध में ईंट भट्टा मालिकों का हड़ताल की ऐलान, प्रशासन पर लगा है उत्पीड़न का आरोप। बलिया में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना का 12 घंटे के अंदर ही किया है खुलासा, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, चोरों के कब्जे से चोरी के 2,69,000 रुपए बरामद हुए। संभल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, कुख्यात गौ तस्कर गैंगस्टर भूरा गिरफ्तार हुआ। कुशीनगर में 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ, एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। कानपुर में सुपारी कारोबारी की हत्या के मामले में व्यापारियों में आक्रोश, पुलिस ने दिया है जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। गाजियाबाद में भतीजों ने की है चाचा की हत्या, वारदात के बाद मौके से फरार हुए। जालौन में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को ट्रक ने रौंदा, युवक की हुई मौत। बाराबंकी में हुआ है भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। नोएडा के प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं बच्चों की जान से खिलवाड़, आरटीओ की चेकिंग में बगैर फिटनेस के मिले हैं 100 स्कूलों की 300 बसें। फतेहपुर में ढाबा मालिक बाप बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई है, ढाबे के पार्क में जानवर छोड़ने का किया था विरोध। हरदोई में प्रेमी ने गोली मारकर किया है सुसाइड, बेवफाई बताई जा रही है आत्महत्या की वजह। कौशाम्बी के ब्रह्मपुत्र मेल के इंजन से टकराया है सांड, और प्रयागराज से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रोकी गई। हरदोई में रुपयों के लिए बेटा बना बाप का कातिल, चाकुओं से गोद कर उतारा है मौत की घाट। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर कांवड़ी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में मॉल की पार्किंग में दबंगों की मारपीट का वीडियो सामने आया है, दबंगों ने की है कर्मचारी की पिटाई। फतेहपुर की बिंदकी में जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़त, महिलाओं ने लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा। यूपी के फतेहपुर में धान रोपने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल हुए। यूपी के मेरठ में युवक की दबंग गई, बीच सड़क पर युवक ने सरेआम धमकी देते हुए फायरिंग की है, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर बंदूकधारी बदमाशों ने 4 गाड़ियों में की है तोड़फोड़, गाड़ी भगाकर पीड़ितों ने बचाई है अपनी जान। एमपी के उज्जैन में ऑटो चालक की सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है, यात्री को धमकाते नजर आया ऑटो ड्राइवर। कन्नौज में कांवड़ यात्रा में दिखा देशभक्ति का रंग, 101 मीटर लंबा तिरंगा और भारत के नक्शे के साथ देशभक्ति गीतों पर झूमे कांवड़िए।
मुरादाबाद में किसान से रिश्वत लेने पर सीबीआई की टीम ने बैंक में मारा है छापा। संभल में विवाहिता की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर लगाए हैं लापरवाही के आरोप। परिजनों ने सड़क पर शव रख के हंगामा किया। संभल में नहीं थम रहे हत्या के मामले, तीसरे दिन भी युवक की हत्या का मामला सामने आया। सहारनपुर के रथेड़ी गांव में सास बहू पर चाकू से हमला करने वाले का शव भी पेड़ से लटका हुआ मिला है। अमरोहा के झुझेला गांव में तेंदुए ने 8 साल के मासूम पर किया हमला। फिरोजाबाद के राधिका अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। महिला की मौत के बाद डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ फरार। ललितपुर में बैंक में दलाली को लेकर बीच बाजार में दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल। अमरोहा में वन विभाग की टीम ने पकड़ा है आदमखोर तेंदुआ, 8 साल के मासूम पर किया था हमला। उत्तराखंड में 2 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बदले, महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से की है मुलाकात। सीएम धामी ने महेंद्र भट्ट को बधाई दी। प्रदेश को जल्द मिलेगी रोपवे की सौगात। विभिन्न जनपदों में 46 रोपवे परियोजनाओं का किया जाएगा विकसित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने घेरे कई आतंकी। बनीगाम बाला इलाके में दोनों ओर से फायरिंग रही जारी। पीएम मोदी ने पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का किया उद्घाटन। सीजीआई एनवी रमना और कानून मंत्री रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन में सुगमता के लिए न्याय जरूरी, उपेक्षित मुद्दों को उठाया जाना भी जरूरी है। चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सम्मेलन में हुए शामिल। शुक्रवार को बिहार के स्कूलों में छुट्टी के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा शरिया कानून लागू करने की साजिश। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का हमला, सीबीआई जांच की तरफ से वापस ली गई नई शराब नीति। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आरोप लगाया कि शराब माफिया से 20-20 करोड़ लेती है आप सरकार। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू, पुंछ में तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का मुस्लिम समाज के लोगों ने किया स्वागत। प्रयागराज में गंगा का बड़ा है जलस्तर, तीर्थ यात्रियों को स्नान में हो रही है दिक्कत। प्रतापगढ़ में मामूली बारिश में ही पानी में डूबा स्कूल। बनारस में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सभी घाटों के संपर्क टूटे। कानपुर में जर्जर चकबंदी, ऑफिस पर गिरा पेड़ गिरने से 2 लोग घायल। उत्तराखंड के धारचूला में भूस्खलन के बाद 2 मंजिला मकान गिरा और घटना के बाद पूरी तरह से तबाह हुआ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड, फरासू हनुमान मंदिर के पास पहाड़ियों से आया है भारी मलबा। उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ धाम के बीच में नाले का पानी हाईवे तक आ गया। हाईवे पर पानी की वजह से लोगों को परेशानी हुई। नैनीताल में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी, भवाली नैनीताल मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों पर फायरिंग, 1 फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। अमेरिका में 9/11 हमले के पीड़ितों ने सऊदी अरब के स्पॉन्सर वाले गोल्फ टूर्नामेंट का किया है विरोध। तुर्की के जंगलों में लगी आग दक्षिणी इलाके की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। जंगलों से सटे हुए बस्तियों के रहने वाले लोगों की यह खतरा बढ़ा। मुंबई में रैंप पर एक साथ दिखे हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में आई नजर। रणवीर सिंह के फोटोशूट पर जानवी कपूर ने दिया है बयान, बोली ये कला की आजादी है, इसके लिए सजा नहीं देनी चाहिए। रणवीर कपूर की फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा होते हुए बचा है। डायरेक्टर लव रंजन की फिल्म के सेट पर भयंकर आग लगी। We'll be right back.